जी हाँ, ये कबड्डी का खेल है मेरे साथी। धीरे धीरे कबड्डी अब जैसे कि अपने अपने अंतरराष्ट्रीय लेवल तक पहुंच रहा है। लीजिए पॉइंट चक्कर में धीरे खिलाड़ी चाहते हैं समय कमेंट हो चुका है। पकड़ लिए गए थलाईपुर के फील्ड में कमर किया, जो एक नंबर के थलाईपुर के खिलाड़ी है। सदरी का नाम सदरी भी नंबर एक है, खिलाड़ी भी नंबर एक है थलाईपुर के। इसी के बदौलत 6 पॉइंट हासिल हुआ थलाईपुर का। ग्रह कटी का एक पॉइंट लीजिए सारे खिलाड़ी जो है की जाना चाहते थे 2 पॉइंट में थलाईपुर को गलती हुई है। जी हाँ, 2 खिलाड़ियों को बाहर हो रहा होगा, जीतना है तो इसी तरह जो है पॉइंट हासिल कर रहा होगा। और ग्रह कटी को जीतना है तो बेहतरीन प्रदर्शन दिखाना होगा, तभी अगले मैच में होगा जिसे जगह कहा पाएगी ग्रह कटी का। और पॉइंट मिला इस बार में थलाईपुर का ऑल आउट पहली पारी में। ग्रह कटी की टीम खिलाड़ी पकड़ना चाहते थे थलाईपुर में खिलाड़ी ग्रह कटी को, निकल गए थलाईपुर का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। हालांकि थोड़ा सा अनुभव कमी साथ झलक रही ग्रह कटी के अंदर, लेकिन कोशिश होगा और लीजिए इसके साथ बेहतरीन कैची कही जाएगी। सात के साथ खिलाड़ी हार हुए, एक पॉइंट युवा खिलाड़ी छोटे दर के खिलाड़ी काफी छोटे खिलाड़ी ग्रह कटी के पॉइंट के चक्कर में कभी 10 से कभी कभी 10 से जो है रेट कर रहे हैं सात खिलाड़ियों के बीच। समय समाप्त होता हुआ, जी हाँ समय समाप्त हो चुका है। इब्राहिम पट्टी का 11 ना पड़ेगा थलाईपुर का 11, इब्राहिम पट्टी का 4 पॉइंट हासिल हुआ है। और इस बीच से जो टीम रुका हुआ है अगली टीम दावेदारी बनाएंगे, जैसे ही मैं समाप्त हो रहा है तुरंत आप ग्राउंड पर आएंगे, ज्यादा समय न लीजिएगा। जी हाँ, इब्राहिम पट्टी के 5 खिलाड़ी अभी अगर बचे हुए इस ग्राउंड में पॉइंट लेना चाहते हैं। कप्तान काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं और हो रहा कि वो क्योंकि उनकी इतनी खराब टीम प्रदर्शन कर रही है, ताकि मैच में बने रहे और मैच अपने नाम कर ले। जी हाँ, ग्राउंड में एक से भागी आता हुआ मैं चाहूंगा तो एंटी डालू के बाहर गए इसका निरीक्षण कर रहा है। जो है राजन जो इस निर्णायक खेल का हम जानते हैं राजन की खूबियों को, क्योंकि ये बहुत होनहार खिलाड़ी रह चुके हैं। राजन जी लीजिए फिलहाल अभी वही पट्टी और थलाईपुर की लंबे करके खिलाड़ी थलाईपुर के बिना गाड़ी का चल है। उम्मीद होगी कप्तान के कि पॉइंट नहीं कराएंगे, क्योंकि जो गाड़ी होगा लीजिए इसी के साथ पॉइंट और मिला बची इस समय में। इब्राहिम पट्टी को अगर मैच में मैं जीत रहा हूँ मैच में बना रहना है तो आपको बहुत ही सूर्य बीच का पर्चा देना पड़ेगा, तभी तो आप मैच में बने रहेंगे और पर्चे ले जाएंगे। टाइम में जो है आपको अच्छा प्रदर्शन दिखाना होगा इब्राहिम पट्टी को, अन्यथा इस मैच से आप बाहर हो सकते हैं। देखिए आप पकड़िए पकड़ेंगे तभी आपका जो है पॉइंट बढ़ेगा। खिलाड़ी की पहले जो है बोनस पॉइंट थी, लेकिन पॉइंट मिला इस बार खिलाड़ी को पॉइंट मिला 5 और 15 का अंतर होता है, यानी 10 पॉइंट से अंतर है। नंबर पूरा फिर कर स्टेडियम नौ और बोली जैसे ही मैच यह मैच है टूर्नामेंट है, इस मैच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जितने खिलाड़ी को आप छुएंगे उतने पॉइंट आप हासिल करेंगे। तो आप संघर्ष करिए मेरे दोस्त, आप संघर्ष करिए पॉइंट हासिल करिए मैच जीतिए। लेकिन फिलहाल अभी सुपर टैकर ऑन है इब्राहिम पट्टी के पास, अगर इब्राहिम पट्टी अगर प्लेयर के तहत पकड़ रहे हैं तो उनको 2 पॉइंट मिलेगा। जी हाँ, सुपर टैकर समाप्त हो चुका है। चेंज हुआ थलाईपुर का खिलाड़ी इब्राहिम पट्टी के हार मानने वाले नहीं है, पॉइंट के चक्कर में लगातार कोशिश जारी हो रही है। कमेटी से निवेदन किया पॉइंट का भी व्यवस्था कर लीजिएगा। एक नंबर के सदै नंबर एक के चले खिलाड़ी भीड़ के चक्कर में युवा खिलाड़ी छोटे खिलाड़ी लग रहे हैं, लेकिन हम हर खिलाड़ी चुस्ती है जीत दिलाने के लिए देखिए कड़ा मेहनत कर रहे हैं।
रीत के चक्कर में प्लान लेकर आते हैं, प्लान देकर जाते हैं। देखिए आप कुछ ऐसे कर दीजिए कि जैसे आप जो है कि टीम को विजयी कर दें। रिकॉर्डिंग महोदय देखिए क्या करते हो हम पांच मिनट 20 सेकेंड समय समय पर पकड़ लिया गए। धीरे धीरे मुकाबला और एक बार फिर बैटिंग कैची लगातार पॉइंट हासिल हो रही है कलईपुर की टीम का। धीरे धीरे जो है और उस बार जो है पकड़ने की कोशिश लेकिन नाकाम रही। बोनस के पॉइंट में कह रही है मऊ रोहतास योद्धा जैसे ही मैं समाप्त हो रहा है तुरंत आप जो है की मैच यहाँ पे कबड्डी खेलने का उपस्थित हो हेलो उद्यान पट्टी के बीच मैच खेला गया जिसमें दो अंतराल से कलरपुर ने मैच को जीता अपने तीसरे राउंड में।